Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. So, children, today we are going to start our new subject, that is Moral Science. I hope you all have this book, Bits of Life. So, please open the book and open page number 5. So, students, our first chapter is the Journal Manager. We must show courtesy to everyone. हमें हमेशा सबके साथ काइंडनेस से बिहेव करना चाहिए. कर्टेसी मीन्स काइंडनेस, पोलाइटनेस. कर्टेसी डज नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग. काइंडनेस हमें कुछ भी कॉस्ट नहीं, मतलब हमें ऐसा तो नहीं हमें उसके लिए टैक्स देना पड़ रहा, हमारे उसके पैसे लग रहे, नहीं. वो हमारी इवन गुडविल को ही इंक्रीज करती है, हमारी रेपुटेशन, हमारी जो इज्जत होती है वो ही कर्टेसी से बढ़ती है. हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए सबके साथ. वी शुड बी मोर कर्टियस टू द, और हमें उनके साथ तो इवन स्पेशली पोलाइट होना चाहिए जो कि ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, सिक हैं, बीमार हैं, फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल, जो कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज है. लाइक किसी के हाथ नहीं होता तो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, कुछ मेंटली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, तो उनके साथ तो हमें स्पेशली मोर कर्टियस होना चाहिए. ठीक है, जॉन वॉज अ, अब इसमें एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं. जॉन वॉज अ रिसेप्शनिस्ट इन एन होटल. जॉन जो है रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था एक होटल में. रिसेप्शन पे जो बैठते हैं ना, दैट वॉज रिसेप्शनिस्ट. तो वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था एक होटल में. ही वॉज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वो एक सिर्फ ईमानदार इंसान नहीं था, लेकिन बहुत ही काइंड और बहुत ही पोलाइट इंसान भी था. ही ऑलवेज हेल्प्ड अदर, वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता था. वन नाइट वेन ही वॉज डूइंग नाइट ड्यूटी इन द होटल, एक रात जब वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था होटल में, तो एक ओल्ड कपल आए उस होटल में. ओल्ड कपल मीन्स ओल्ड, बूढ़े हस्बैंड वाइफ आए. इट वॉज अ रेनी नाइट, बहुत ही बारिश हो रही थी बाहर. दे आस्क्ड हिम फॉर ए रूम, और उन्होंने उसको अपने एक रूम के लिए पूछा, लेकिन कोई भी रूम उस होटल में वेकेंट नहीं था. जॉन थॉट डेट If he did not provide a room to the couple, they would have to go hunting for a room in the rainy night. तो जॉन को लगा कि अगर मैं इनको रूम प्रोवाइड नहीं करूँगा, इस भारी बारिश हो रही है बाहर, और इस टाइम पे मैं इनको रूम प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो ये कहाँ अपना रूम ढूँढने जाएंगे इतनी रात को बाहर. ठीक है, तो since there was no vacant room in the hotel, ऐसे कि कोई वैकेंट रूम नहीं था होटल में, तो उसको एक आइडिया आया, और उसने उन कपल को कहा, सर वी डू नॉट हैव ए वैकेंट रूम, हमारे पास कोई खाली रूम तो नहीं है, लेकिन आई विल अरेंज समथिंग फॉर यू, लेकिन मैं कुछ अरेंज कर सकता हूँ आपके लिए. देन ही कॉल्ड द रूम बॉय, और उन्होंने रूम बॉय को बुलाया, जॉन जो थे उन्होंने रूम बॉय को बुलाया, और उन्होंने कहा कि तुम ये रूम क्लीन कर दो. एंड टोल्ड हिम टू क्लीन हिज रूम, मतलब जॉन का जो रूम था उस होटल में उसको क्लीन करने को कहा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. व्हाइल टेकिंग द ओल्ड कपल टू हिज रूम ही सेड, जब जॉन उनको कमरे में ले जा रहा था खुद के, तो उन्होंने जॉन ने कहा, एक बहुत ही ऑर्डिनरी रूम है, लेकिन आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, आप कंफर्टेबली यहाँ पर रह सकते हो. I will send you 2 cups of tea. मैं आपको यहाँ पर 2 कप चाय के भेजता हूँ. Which you may take before going to bed. जहाँ आप बेड पे जाने से पहले उसको ले सकते हो. Several months passed. अब बहुत महीने बीत गए. जॉन को ये इंसिडेंट बिल्कुल भी याद नहीं रहा, क्योंकि उसकी हैबिट थी वो दूसरों की हेल्प करता रहता था. ठीक है. A very big hotel was built by a rich person in New York. अब न्यूयॉर्क में एक रिच पर्सन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा होटल बनाया गया. When the staff was to be appointed the owner of the hotel, जब स्टाफ अपॉइंट हो रहा था, जो ओनर था होटल का, उसने कहा, I do not need to advertise for the post of journal manager. मुझे कोई ज़रूरत नहीं है जर्नल मैनेजर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देने की न्यूज़पेपर में, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी वो पर्सन है. द मैन वॉज नन अदर देन द जॉन, जो मैन था वो जॉन से अलग नहीं था, मतलब जॉन ही वो इंसान था जिसको वो अपॉइंट करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने उस रेनी नाइट में उस ओल्ड कपल की हेल्प करी थी.
तो जॉन को क्या मिल गई? इंस्टेंट सक्सेस, मतलब कि वो एकदम से सक्सेसफुल इंसान बन गया और वो वर्ल्ड फेमस होटल में जर्नल मैनेजर की पोस्ट उसे मिल गई। ड्यू टू दिस हेल्पफुल नेचर ही गॉट ए ह्यूज सक्सेस। तो इस हेल्पफुल नेचर के वजह से उसको बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। सो चिल्ड्रन, वी कंप्लीटेड द चैप्टर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बी पोलाइट, बी काइंड। हमेशा हमें किसी से भी, चाहे हमसे बड़े हों चाहे हमसे छोटे हों, हमेशा हमें पोलाइट रहना चाहिए सबके साथ, हमेशा हमें काइंड रहना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर टूडे ऑफकोर्स योर होमवर्क इज जस्ट रीड द चैप्टर। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।